हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलबी एसएससी सेंटर। मैं हूं शान कुमार और मैं इस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि एमएस वर्ड में पासपोर्ट साइज फोटो कैसे निकाले। जी हाँ दोस्तों, यही देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कर देंगे फेसबुक या व्हाट्सएप पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाना है और यहाँ से एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है कीजिए, नहीं तो दोस्तों यहाँ स्टार्ट बटन पे आपको RUN करके इंटर दबा देना है। रन रन में विन वर्ड लिखकर और इंटर प्रेस कर देना है। जैसे इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये आपके ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। देखिए दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से पिक्चर को ले लेना है। ठीक है दोस्तों, तो पिक्चर लेने के लिए सबसे पहले देख लीजिए जहाँ पे आपको आप पिक्चर रखे होंगे वहाँ से आपको ले लेना है। ठीक है दोस्तों, और लेने के बाद देखिए आपको क्या करना है। जैसे इंसर्ट में कर लिया, इंसर्ट करने के बाद दोस्तों आपको पिक्चर को क्रॉप करना होगा, तो यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं। जैसे देखिए नीचे से मैं क्रॉप कर रहा हूँ थोड़ा सा, और ये हो गया क्रॉप। उसके बाद फिर से आपको बगल में क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, आउटलाइन अगर देना होगा तो पिक्चर का बॉर्डर यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और पिक्चर का बॉर्डर यहाँ से दे दीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और पिक्चर का बॉर्डर जो देना चाहते हैं आप जो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड से थोड़ा व्हाइट दिख रहा है, तो फिर से मैं क्रॉप कर लूँगा। तो देखिए क्या, और ये हो जाएगा आपका, और फिर से आउटलाइन मैं दे दूंगा। चलिए रेड कलर का आउटलाइन दे दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका रेड कलर का आउटलाइन हो गया। अब पिक्चर आप थोड़ा सा अब पासपोर्ट साइज के बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बड़ा दिखता होगा, लेकिन ये बड़ा है नहीं। अब देखिए क्या करना है, उसके बाद देखिए दोस्तों आपको आ जाना है फॉर्मेट में। यहाँ पे फॉर्मेट आने के वर्ड वेडिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ से स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करने के बाद उसके बाद कर्जर को लेके आना है फोटो पे, और लेफ्ट बटन को होल्ड करके और माउस से आपको ड्रैग करके लेकर जाना है। यहाँ पे लेकर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, तो आपको कंट्रोल दबाकर कंट्रोल डी कर देना है। जैसे ही डी कीजिएगा तो क्विट हो जाएगा, फिर कंट्रोल डी कीजिएगा और फिर से ये आपका पिक्चर आपके सामने आ जाएगा ऐसे ही करके, और आपको सजा देना है। फिर से कंट्रोल डी कीजिए और ये आपको पिक्चर फोटो थोड़ा बड़ा दिखता होगा, लेकिन ये फोटो बड़ा नहीं है। फिर से कंट्रोल डी कीजिए और यहाँ से ये लेवल आपको ठीक कर देना है। फिर से अब देख लीजिए आपका फोटो का साइज, अगर इधर 5 ही फोटो आता है एक बार एक ही लाइन में, लेकिन देख लीजिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ कि कितने पिक्चर बैठते हैं। फिर अगर नीचे में बैठाना चाहते हैं फिर से कंट्रोल इसको क्लिक कर लीजिए और कंट्रोल डी कीजिए और नीचे में आ जाएगा। फिर से आपको ठीक कर लेना है, अप डाउन एरो की से ठीक कर लेना है। फिर से कंट्रोल डी करना है और फिर ये बगल में आपको सेटिंग कर लेना है, और फिर से कंट्रोल डी करना है दोस्तों, और फिर से यहाँ से कंट्रोल डी कर और यहाँ से आपको सेटिंग कर लेना है। फिर कंट्रोल डी किया जाएगा और यहाँ से सेटिंग किया जाएगा, आपको ड्रैग करके फिर से सेटिंग कर लेना है पिक्चर को। ये आपके ऊपर डिपेंड करना करता है कि कितना फोटो निकालना चाहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी वीडियो में कमी दिखता होगा आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उस कमी को दूर करूँगा। और देखना चाहते हैं कि कैसे आपके PHP आएगा तो यहाँ से जाइए और प्रिंट पे थोड़ा रुकिए, उसके बाद देखिए प्रिंट प्रीव्यू इस पर क्लिक कीजिए। ये आपके देखिए यहाँ से रूलर भी शो कर सकते हैं, दिखेगा बताएगा कि हाँ ये प्रिंट होकर देखिए PHP सेम ऐसे ही आएगा आपके प्रिंटर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।